नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट राइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में श्री कृष्ण लीला को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बताते हैं कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया, सभी गोपियां छटपटा कर अपना अपना टुकड़ा लेकर दूर भागती हैं और फिर रोते हुए उसके और भी टुकड़े टुकड़े करने लग जाती हैं। उद्धव जी भी उनके पीछे भागते हैं और कहते हैं, क्या कर रही हो तुम लोग, ये क्या कर दिया तुमने, जानती हो ये क्या कर रही हो तुम। फिर वे सभी से टुकड़े एकत्रित करके क्रोधित होकर कहते हैं, जानती हो तुमने क्या किया, ये पत्र स्वयं पर ब्रह्म के हाथ का लिखा पत्र था, ये वो गूढ़ ज्ञान था जिसकी खोज में अनेक जन्मों तक ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं और उस ज्ञान के चिथड़े चिथड़े कर दिए तुम लोगों ने। तब एक गोपिका कहती है, अरे इतना ही दुर्लभ ज्ञान था तो उन्हें ऋषि मुनियों के पास ले जाते, हम जैसी गंवार ग्वालिनों के पास इसे लाने की क्या जरूरत थी, बोलो। तब उद्धव जी कहते हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए शारीरिक मोह की जिस भावना को तुम प्रेम प्रेम करती फिरती हो, उस प्रेम के दलदल से बाहर निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे नाम ये पत्र लिखा था। उन्होंने तुम्हें ये लिखा था कि मेरे जिस सुंदर शरीर से तुम प्रेम करती हो वह नश्वर है। फिर एक गोपी पूछती है, क्या उसके हाथों में परब्रह्म वही नरमी है, उसके स्पर्श में वही गर्मी है जो कृष्ण कन्हैया के हाथों में है, क्या हम उससे गले लगा सकते हैं। तब उद्धव हंसते हुए कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ना उसके हाथ है ना उसके नयन है ना वो किसी के गले लग सकता है, वो परब्रह्म परमेश्वर निराकार अविनाशी और अचल है, ना वो पैरों से चलता है ना वो कहीं आता है और ना जाता है, क्योंकि वह हर समय हर स्थान पर व्याप्त और विराजमान है, ना वो पैदा होता है और ना मरता है, वह भूत भविष्य और वर्तमान की सीमाओं से परे है। पे गोपी कहती है, ना वह कहीं आता है और ना वह कहीं जाता है, तो फिर हमारी उससे भेंट कहाँ होगी उद्धव भैया। उद्धव मुस्कुराते हैं। फिर एक दूसरी गोपी पूछती है, अगर उसके हाथ नहीं तो हमें छुएगा कैसे, उसके नयन नहीं तो वह हमें देखेगा कैसे। पहली कहती है कि अगर हमें कोई देखने वाला नहीं हो तो हमारे इस रूप की सुंदरता का क्या प्रयोजन, हम सजे संवरे किसके लिए उद्धव भैया। तब तीसरी कहती है, ना भैया हमें ऐसे व्यर्थ के भगवान से क्या लेना। पहली कहती है, सब व्यर्थ की बातें छोड़ो उद्धव जी, उससे ये कहिए कि कन्हैया ने आपको ये संदेशा लेकर भेजा है तो क्या समझकर भेजा है। एक अन्य कहती है, उसने ये लिखा है कि मुझसे प्रेम ना करो, मुझे भूल जाओ। फिर वह गोपी उद्धव का हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहती है, उद्धव भैया कहीं वह पागल तो नहीं हो गया। यह सुनकर पहली वाली कहती है, अरे वह पागल भी हो गया ना तो भी वह हमारे प्रेम को नहीं भुला सकता, वास्तव में ये मथुरा वाले छल बल करने में बड़े प्रवीण है। पहले वह अक्रूर आया और कृष्ण कन्हैया को ना जाने क्या क्या पट्टी पढ़ाकर हमसे दूर ले गया, और अब ये उद्धव भैया आए हैं एक नया उपदेश देने कि कृष्ण भगवान को भूल जाओ। तब दूसरी कहती है, ना भैया ना, ऐसा अत्याचार हम पर ना करो, और यदि कृष्ण ने ये संदेश हमारे पास भेजा है तो उसी के पास ले जाइए और उससे जाकर कहिए वही उस ईश्वर को ध्याए हमें अपने प्रेम मार्ग से पथ भ्रष्ट ना करे। तीसरी कहती है कि पहले ही हम विरह में दुखी हैं और ऐसे कटु उपदेश देकर और दुखी मत करो। यह सुनकर उद्धव कहते हैं, तुम्हें दुख देने के लिए नहीं, तुम्हारे दुख दूर करने के लिए उन्होंने ये संदेशा भेजा है। देखो प्रेम एक मोह का बंधन है, जो इस मोह के दलदल में फंसेगा वह अवश्य दुख पाएगा, और मैं कहता हूँ कि इस माया के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आओ, जहाँ ना मिलने का सुख है और ना बिछड़ने का दुख है, केवल परमानंद ही परमानंद है। तब एक पहली वाली गोपिका कहती है, मिलने का सुख नहीं बिछड़ने का दुख नहीं, ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ। यह सुनकर उद्धव कहते हैं, जीवन का वास्तविक लाभ है पर ब्रह्म परमानंद की प्राप्ति। यह सुनकर दूसरी कहती है, एक जो अपने प्रेमी को प्राप्त ना कर सकी वो परमात्मा को प्राप्त करके क्या करेगी। यह सुनकर उद्धव जी कहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करोगे तो परम शांति को प्राप्त करोगे। जो तुम्हारी हाय हाय है ना, हाय मुझे प्रेमी नहीं मिला, हाय मुझे झूठे वचन देकर चला गया, हाय मुझसे विरह की पीड़ा नहीं सही जाती, सब शांत हो जाएगा, ना झूठे वचन का दुख रहेगा और ना विरह की पीड़ा रहेगी, सब शांत हो जाएगा। तब एक पूछती है, सब शांत हो जाएगा।
उद्धव कहते हैं हाँ, तब वह कहती है जैसे शव शांत हो जाता है। उद्धव चौंक जाते हैं, उनकी कानों में 3 बार ये आवाज गूंजती है। तब पहली वाली कहती है, उद्धव जी विरह की पीड़ा में जो आनंद है उस आनंद को आप जानते हैं। यह सुनकर उद्धव हंसते हुए कहते हैं, पीड़ा में आनंद। तब दूसरी कहती है, हाँ पीड़ा का आनंद, पीड़ा का परमानंद। उद्धव जी एक बार फिर चौंक जाते हैं। फिर वह कहती है, पर वो तो तुम तब जानोगे ना जब प्रेम करोगे। क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? यह सुनकर उद्धव हंसते हुए कहते हैं, प्रेम इत्यादि भावनाओं में फंसना मूर्खों का कार्य है, ज्ञानी इन बातों में नहीं फंसता। तब वह दूसरी गोपिका कहती है, अरे ज्ञानी कहते हो अपने आप को, प्रेम का तो ज्ञान नहीं, फिर ज्ञानी कैसे हो गए? उद्धव जी एक बार फिर चौंक जाते हैं। फिर वह गोपी कहती है, भैया प्रेम करो, प्रेम की पीड़ा को सहो, तब तुम्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि प्रेम की पीड़ा में इतना आनंद क्यों है, तब तुम संपूर्ण ज्ञानी बनोगे, अभी तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। उद्धव चौंक जाते हैं, उनके कानों में 3 बार ये आवाज गूंजती है। फिर सभी गोपियां गाकर और नृत्य करके उद्धव को प्रेम की महिमा सुनाती हैं और उद्धव जी के ज्ञान का उपहास उड़ाती हैं। वे कहती हैं कि ये 2.5 अक्षर प्रेम का सब पर भारी है। नृत्य करते हुए वे उद्धव जी का मुकुट उतार देती हैं और फिर उनके बाल खोल देती हैं। हैरान परेशान उद्धव को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वे क्या करें। फिर गोपियां मदमस्त होकर उद्धव जी के गाल पर कीचड़ लगा देती हैं। फिर वे कई तरह के स्वांग रचती हैं और अंत में उद्धव जी को वे सभी पागल जैसा बना देती हैं। वे सभी सखियां उन्हें पकड़कर यमुना तट पर राधा के पास ले जाकर खड़ी कर देती हैं। उद्धव जी राधा रानी को देखकर मंत्र मुग्ध जैसे हो जाते हैं। उद्धव के मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ती हैं और उनके हृदय में यह भावना जागती है, इन्हें प्रणाम करो उद्धव तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तभी गोपिका कहती है, लो राधा ये कृष्ण का नया संदेश लेकर आए हैं। राधा चुप और उदास बैठी रहती है। उद्धव उन्हें आश्चर्य से देखते रहते हैं। फिर से वह गोपी कहती है, लो राधा सुन लो, ये कृष्ण का नया संदेश लेकर आए हैं। यह सुनकर राधा प्रसन्न होकर कहती है, कृष्ण का संदेश? क्या उनके आने का संदेश है क्या? कब आएंगे? तब एक गोपी कहती है, अरे आने का संदेश नहीं है, उन्होंने तो कहा है कि मुझे भूल जाओ। यह सुनकर राधा चौंक जाती है। आगे वह गोपी कहती है, और इन्हें भेजा है कि ये हमें योग ज्ञान और तप सिखाएं जिससे हमारा कल्याण हो जाए। यह सुनकर राधा कहती है, हमारा कल्याण? तप और ज्ञान से हमारा कल्याण होगा? ये किसने बता दिया आपको? हमारा कल्याण तप से नहीं केवल संजोग से होगा, केवल संजोग, कृष्ण के साथ संजोग और पूर्ण संजोग। तब दोनों में कोई अंतर ना रह जाए, तब कृष्ण राधा और राधा कृष्ण हो जाए। बस हम तो इसी को योग मानते हैं और यही हमारा प्रेम योग है। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखते रहिए नेक्स्ट राइन स्पिरिचुअल। जय श्री कृष्ण।